टॉपिक लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अगला टॉपिक है हमारे पास। चलिए शुरू करें क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। चलिए तो नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन देयर फंक्शनल ग्रुप। स्ट्रक्चर के हिसाब से और उनके फंक्शन ग्रुप के हिसाब से दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, स्ट्रक्चर के हिसाब से एंड फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर के हिसाब से दो तरह का होता है। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक कंपाउंड दो तरह से डिवाइड किए जा सकते हैं। सबसे पहले ओपन चेन एंड देन क्लोज चेन। यस, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स स्ट्रक्चर के हिसाब से दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, ओपन चेन एंड क्लोज चेन। ओपन चेन आगे दो तरह से डिवाइड होती है, असाइक्लिक और जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जरा आप चेक करना, ओपन चेन जिसको हम लोग एलिफैटिक या असाइक्लिक भी कहते हैं, लिख लो, काम आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्ट्रक्चर के हिसाब से दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहला है ओपन चेन, दूसरा है क्लोज चेन। ओपन चेन को हम लोग एसाइक्लिक या फिर एलिफैटिक भी कहते हैं, दीज आर द नेम, एसाइक्लिक क्योंकि ये साइक्लिक नहीं होते तो दीज आर कॉल्ड एसाइक्लिक। दूसरा फैटी होते तो इनको एलिफैटिक भी कहते हैं, ठीक है, एलिफैटिक भी कहते हैं। घी वगैरह में, तेल वगैरह में, ऑयल वगैरह में ये असाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, इनको एलिफैटिक भी कहते हैं। सो ओपन चेन वाले को हम लोग एलिफैटिक या असाइक्लिक भी कहते हैं, क्लोज चेन वालों को हम लोग क्या कहते हैं, जरा चेक करना, साइक्लिक या फिर रिंग चेन भी कहते हैं। सो रिंग चेन या फिर साइक्लिक भी कहा जाता है। अब इन्हीं को हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है, चलो शुरू करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर दो तरह के हैं, ठीक है, कौन कौन से, एलिफैटिक, असाइक्लिक, रिंग चेन, साइक्लिक। लेट्स डू इट देन। सबसे पहले अपन किसको पढ़ेंगे, असाइक्लिक को या ओपन चेन को जिसको एलिफैटिक भी कहते हैं। दो तरह के होते हैं, पहला है स्ट्रेट चेन, दूसरा है ब्रांच चेन। पहले भी पढ़ चुके हैं स्ट्रेट चेन जिसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती, जैसे कि एन पेंटेन। जरा आप एग्जांपल चेक कर लो, स्ट्रेट चेन जिसमें कोई भी किसी भी तरह का ब्रांचिंग नहीं होता, जैसे कि एन पेंटेन। ओके, सो दीज आर कॉल्ड स्ट्रेट चेन जिसमें कोई तरह का ब्रांचिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा, साइक्लिक नहीं होते, असाइक्लिक होते। दूसरे होते ब्रांच्ड जिनमें आपको ब्रांचे देखने को मिलेंगी, लुक एट इट, ये आराम से स्ट्रेट जा रहा था, बीच में आपने एक ब्रांच लगा दी, सो दिस इज कॉल्ड ब्रांच चेन, ठीक है। अब इसका नाम क्या है, आइसोपेंटेन। ओके, सो दिस इज आइसोपेंटेन। सो इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हो, इज दिस क्लियर। चलिए उसके बाद अपन चलते हैं क्लोज चेन की तरफ। क्लोज चेन मतलब रिंग या फिर साइक्लिक। अब इसको अपन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। क्लोज चेन जिसको हम बोलते हैं रिंग चेन या फिर साइक्लिक, ये दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक होती है एली साइक्लिक, लिखिए, एक होता है एली साइक्लिक, एली एली साइक्लिक, एक है एली साइक्लिक। दूसरा कौन सा है, एरोमैटिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एली साइक्लिक एंड एरोमैटिक, ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। किस किस को समझ में आ गया, दोबारा बोलते हैं, क्लोज चेन दो तरह के होते हैं, एक तो एली साइक्लिक, दूसरा एरोमैटिक। एली साइक्लिक एंड एरोमैटिक, एली साइक्लिक और एरोमैटिक में फर्क क्या होता है, एली साइक्लिक वाले साइक्लिक तो होते हैं लेकिन एरोमैटिक नहीं होते, दीज आर नॉट एरोमैटिक, एली साइक्लिक वाले एरोमैटिक नहीं होते, और यहां एरोमैटिक वाले एरोमैटिक होते हैं, जैसे कि बेंजीन रिंग, इसकी एक शर्त जिसको हुकल रूल से बताया जाता है वो अपन आगे पढ़ेंगे। पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये दो तरह से क्लोज चेन को आप डिवाइड कर सकते हो, एली साइक्लिक एंड एरोमैटिक। एली साइक्लिक वाले साइक्लिक होते हैं लेकिन एरोमैटिक नहीं होते। अब ये एली साइक्लिक को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो आगे, एक होता है होमो साइक्लिक, होमो एली साइक्लिक, दूसरा होता है हेट्रो एली साइक्लिक। होमो एली साइक्लिक और हेट्रो एली साइक्लिक में फर्क क्या होता है, होमो एली साइक्लिक में आपको रिंग में सिर्फ और सिर्फ कार्बन की चेन्स दिखेंगी, कार्बन दिखेगा और कोई नहीं, जबकि हेट्रो में आपको पूरी रिंग के अंदर कार्बन के अलावा एक और एटम दिखेगा, जैसे कि यहां पर आपको ऑक्सीजन दिख रहा है, दिख रहा है रिंग के अंदर आपको ऑक्सीजन भी दिख रहा है, तो अगर रिंग के अंदर ऑक्सीजन भी दिखेगा तो इसको बोलते हैं हेट्रो एली साइक्लिक। जब ये एरोमैटिक नहीं है, ये एरोमैटिक नहीं है, इनमें रिंग के अंदर आपको ऑक्सीजन भी दिखाई दे रहा है, यहां पर ये भी एरोमैटिक नहीं है लेकिन रिंग में आपको कार्बन के अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा, दिस इज कॉल्ड होमो एली साइक्लिक। सो दिस इज हेट्रो एली साइक्लिक, दिस इज होमो एली साइक्लिक, इज दिस क्लियर, दिस इज होमो एंड दिस इज हेट्रो, इज दिस क्लियर,
क्लियर, सबको समझ में आ गया? अगेन एरोमेटिक को भी आप ऐसी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, होमो एरोमेटिक, हेट्रो एरोमेटिक. बेंजीन रिंग इज द एग्जांपल ऑफ होमो एरोमेटिक. बेंजीन रिंग इज द एग्जांपल ऑफ होमो एरोमेटिक. ओके, और हेट्रो एरोमेटिक में आप जरा चेक करो कि कार्बन के अलावा आपको एक और एटम दिखेगा, नाइट्रोजन. लुक एट इट, हेट्रो एटम दिखेगा कार्बन के अलावा भी. समझ में आ गया? सो यहां पर आप देखो, दिस इज बेंजीन विच इज एग्जांपल ऑफ होमो एरोमेटिक. ये एरोमेटिक है बट होमो है, इसमें कार्बन के अलावा आपको रिंग में कुछ नहीं दिख रहा है. ये पिरिडीन एग्जांपल है आपके पास, जिसमें कार्बन के अलावा आपको नाइट्रोजन भी दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड हेट्रो एरोमेटिक. ओके, सो इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो. इज दिस क्लियर? सबको समझ में आ गया? बोलो, यहां तक क्लियर है? क्लासिफिकेशन हो गया सबका? क्लासिफिकेशन हो गया. चलिए.